हम चंद दीवानों ने हॉलिडे इन लाहौर के अंदर एक पार्टी अनाउंस की। तब मैंने फैसला किया कि हम एक पार्टी बनाएंगे जो जिसका नाम हमने इंसाफ रखा, क्योंकि जब इंसाफ होता है तो करप्शन खत्म होती है। इंसाफ का मतलब कानून की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती का मतलब कि कमजोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर, और उसका मतलब जो ताकतवर करप्ट लोग जो मुल्कों को तबाह करते हैं इनको कानून के नीचे लेके आए। ये थी हमारी वजह, मेरी तरह के आदमी को पॉलिटिक्स में आने के लिए, जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था। एक बड़ी मुश्किल स्ट्रगल थी जिसमें मेरे साथ कई लोग आए, कई चले गए, कई हार मान गए। नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि क्यों मैंने कभी हार नहीं मानी। दो वजह थी, एक ये कि मैंने क्रिकेट की ग्राउंडों में एक चीज सीखी थी, जो हार नहीं मानता और आखिरी गेंद तक लड़ता है उसको हार भी हरा नहीं सकते। ये भी मैंने सीखा था कि जब भी दुनिया में मैं कोई काम करूं, क्योंकि मैं तब तक दो काम कर चुका था, क्रिकेट में कामयाब हो चुका था और फिर शौकत खान हॉस्पिटल बना चुका था, तो कामयाब इंसान तब होता है जब वो जो काम करने के लिए निकले, जो ख्वाब देखे, फिर किश्तियां जला के उसकी तरफ जाए, फिर कभी वापस ना जाए, यानी या मौत और या वो काम होगा। तब इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं, जो अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, कुव्वत दी है, वो तब बाहर आती हैं जब आप फैसला कर लेते हैं एक काम आपने करना है, जो भी मर्जी हो जाए।